नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग फ्रॉम स्क्रैच इन 2020। 2020 में भी अगर आप अपना ब्लॉगिंग जो है करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी है, पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और साथ ही साथ सिर्फ बताऊंगा नहीं कि किस तरह से स्टार्ट करना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं वीडियो के एंड में कि आपको अपनी ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को, अपनी वेबसाइट को जो है, अपने ब्लॉग को जो है किस तरह से मोनेटाइज करना है फ्रॉम दी डे वन, और वो किस तरह से कर सकते हैं, सारी चीजें जो है आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले आप जल्दी से मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ताकि आप लोगों के जो भी सवाल हो देन एंड देयर पूछो और वहीं पे तुरंत आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो है सिर्फ इतना ही नहीं, और भी जितनी भी हमारे चैनल्स पे आने वाली अपडेट्स हैं उससे रिलेटेड भी सारी अपडेट जो है वहां पर आपको जल्द से जल्द मिलती रहती हैं। तो अभी बात करते हैं यहां पे ब्लॉगिंग जो है वो 2020 में हमें क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये वीडियो तो बना चुका हूं कि करियर कैसा है ब्लॉगिंग के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहां या यहां कहीं पर आपका एक आई बटन के अंदर जो है मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको जाके देख लेना। और अभी मैं आपको बता दूं यहां पर कि किस तरह से जो है आपको ब्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पे कुछ 7 स्टेप के अंदर जो है पूरा बताने वाला हूं ब्लॉगिंग के बारे में। तो सबसे पहला है यहाँ पे एक निश सेलेक्ट करना है। निश होता है बेसिकली, निश क्या है मैं बताता हूं। तो निश आपकी वेब ब्लॉग के लिए जो है एक कैटेगरी होती है, या आप कह सकते हो एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो। अब ये टॉपिक जो है आपको किस तरह से सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बताऊं। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आपकी हॉबी है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें भी आपका नॉलेज अच्छा है, आप वो चीजों को, उसी को अपनी निश बना लो, यानी कि उसी को जो है अपना एक करियर के लिए, अपने ब्लॉगिंग के लिए एक कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट कर लो। चाहे वो टेक्निकल में हो, ब्लॉगिंग के हो, वेब होस्टिंग के अंदर हो, ई कॉमर्स में हो, या एक्स वाई जेड किसी में भी आपका जो भी इंटरेस्ट है वो आप निश सेलेक्ट कर लो। अब इसके बाद जो है दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि आपको एक अच्छा डोमेन चूज करना है। अब डोमेन के साथ साथ जो है आपको मैं बता दूं कि क्यों अच्छा डोमेन चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने गलती से कोई ऐसा डोमेन चूज कर लिया जो कि ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन है आपके, चाहे वो सर्च इंजिन की अंदर बात करो या यूट्यूब के ऊपर बात करो, तो अगर ऐसे में हमने कोई ऐसा डोमेन सर्च कर लिया, ऐसा डोमेन नेम सेलेक्ट कर लिया जिससे रिलेटेड बहुत सारे बड़े बड़े वेबसाइट्स उसमें कंपटीटर बन जाए, तो ऐसे में आप चाहकर भी जो है टॉप पे नहीं आ सकते। तो वेबसाइट का नाम रखते वक्त, डोमेन को बुक करते वक्त आपको पहले कुछ चीजों को रिसर्च करना है कि कौन सा ऐसा नाम है जो ऑलरेडी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, मतलब जो भी आपका डोमेन नेम हो उससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट अवेलेबल ना हो, ये चीज का आपको मेक श्योर करना है। फिर ये रिसर्च करने के बाद जो है आपको डोमेन नेम को बुक करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि ये रिसर्च किस तरह से करी जाती है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, डेफिनेटली आपको मैं इसके लिए वीडियो बना के देने वाला हूं। और तीसरा जो है यहाँ पे कि एक बहुत अच्छी वेब होस्टिंग, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास होस्टिंग के लिए आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप जो है एक गूगल का प्रोडक्ट है ब्लॉगर, तो आप जो है blog.com पे जाके भी जो है अपनी होस्टिंग कर सकते हैं, उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं अपने डोमेन को। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर वाकई प्रोफेशनल लेवल पे जो है अगर आप अपने ब्लॉग को लेके जाना चाहते हैं, तो ऐसे में जो है आपको अपनी खुद की वेब होस्टिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेब होस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी वेबसाइट को ओपन करने में, आपकी वेबसाइट की स्पीड को मेंटेन करने में। इसीलिए एक अच्छे सर्वर के ऊपर जो है वेब होस्टिंग एक अच्छे सर्वर से लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। हालांकि इसमें जो है अच्छे सर्वर्स में जो है आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन
यहां पे आपको जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट फिर यहां पे देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट जो है, हमें वर्डप्रेस के ऊपर जो है अपनी वेबसाइट करनी है, क्योंकि अगर हमें कोडिंग नहीं आती है तो हम नहीं कर बना पाएंगे। और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप किसी भी वेब डिजाइनर को पकड़े और उससे बोलें कि मेरी वेबसाइट डिजाइन करो। वर्डप्रेस जो है बहुत आसान है इंस्टॉल करने के लिए, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही आई अपीलिंग वेबसाइट जो है आप वेबसाइट वर्डप्रेस के जरिए बना सकते हैं। उसके बाद जो है आपको करना क्या है कि आपको एक थीम सेलेक्ट करनी है। थीम कह सकते हैं अटेंशन ग्रैबिंग। अटेंशन ग्रैबिंग थीम कहने का मतलब है कि जो कि अट्रैक्टिव हो, जब कोई वेबसाइट हमारी ओपन करे, हमारा ब्लॉग ओपन करे, तो उसको हमारी वो ब्लॉग वाली वेबसाइट जो है वो अच्छी लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी उठा के कहीं से भी डाल दिया तो वो जो है हम जो सोचें कि यार ये हम डाल देते हैं और ये काम चल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। हमें जो है बहुत ही अच्छी वेबसाइट की थीम जो है वो रखनी है, चाहे फिर उसके लिए हमें कुछ पैसा पे करना पड़े तो भी हमें कर लेना चाहिए। और मैं बता दूं, पेड थीम्स के अपने ही बेनिफिट्स हैं, उसमें जो है आपको काफी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी जो है सहूलियत मिल जाती है। इसके बाद जो है हमें कुछ, क्योंकि हम वर्डप्रेस के ऊपर मैं बता रहा हूं, तो एक कुछ ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट को जो है काफी ज्यादा एनहेंस करने में, चाहे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात हो या फिर जो है और भी कई तरह के कंटेंट को ग्रैब करने की बात हो, कंटेंट को ऑन पेज एसईओ करने की बात हो, तो इस तरह के बहुत सारे प्लगइन हैं जिनका आपको इस्तेमाल करना है। अब इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको मैं बना के देने वाला हूं कि कौन कौन से वैसे प्लगइन हैं जिनका आपको अपनी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, इसके बाद सिर्फ आपको कंटेंट बनाना है। और कंटेंट बनाने के क्या तौर तरीके होने चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अगला वीडियो जो है मेरा ऑन पेज एसईओ होगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको कवर करनी चाहिए, कितना कंटेंट लिखना चाहिए, किस हिसाब से लिखना चाहिए, वो सारी डिटेल भी मैं आपको बता दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट यार कि लाइट चली गई है, तो मेरे एक स्टैंड बाय लाइट पड़ी है तो उससे ही काम चल रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। सो अब बात करते हैं यहाँ पे कि डे वन से जो है हम अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। तो मोनेटाइजेशन के लिए ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमारे पास एडसेंस अकाउंट होना चाहिए या किसी और थर्ड पार्टी का जो है एड नेटवर्क का अकाउंट हमारे पास होना चाहिए, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये बाद में आ जाएगा हमारे पास, ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगा, और कब आपको इसके लिए अप्रूवल डालना होता है वो सारी डिटेल भी जो है आपको मैं आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो डेफिनेटली आप जो है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मैं बताता हूं कि आपको मोनेटाइज करना कैसे है। एफिलिएट मार्केटिंग, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना ही होगा, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ी पावर है, आप इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो आप Amazon के साथ जा सकते हैं या फिर आपने जिस भी कैटेगरी की निश सेलेक्ट करी है उसी कैटेगरी की कुछ वेबसाइट को सर्च करो, उन पे जाके देखो कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिन पे एफिलिएट प्रोग्राम एनेबल है, वहां पे जाके एफिलिएट प्रोग्राम में एनरोल करो और उनके लिंक जो है अपने ब्लॉग के अंदर डालना स्टार्ट करो। वहां से भी आप बहुत ही अमेजिंग इनकम जो है वो डे वन से जनरेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। आई एम श्योर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज good to others।